वचन जो जर मैं बाई तरफ आऊं तो मैं बच्चे ने नहीं दिला फुलो क्या मन करना है आप सुनना है कोई नहीं सुन रहा सुन लो और नहीं कोई बात नहीं सुनना के काम की बात बुलियोड़ा एक बार और भूल ले हमारा बस याद हो जाए चलो वचन मांगे भाई कन्या वचन तीर्थ वर्तो चापन यक्रम माया सहे उपरी वरपुरिया वा मांगे आमी तदा तवली वरिति वाक्यम पाठ कुमारी पहला वचन है हे प्रिय वर आप यदि तीर्थ यात्रा जाओ तो मुझे भी साथ लेके चलो किसी व्रत का उद्यापन आदि धर्म कार्य भी आज के समान मुझे साथ लेके करो तो मैं आपके भावे अंग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने वर से प्रथम वचन मांगा। बोलो तथास्तु। अब दूसरा जो वचन है आप सुनो पूज्यो यतो सो पित्रो ममापि तदे भक्तो निष्कर्म क्रिया वामांगे। अब दूसरा जो वचन है आप सुनिए। दूसरा वचन कन्या मांगती है जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करो वैसे मेरे माता पिता का भी आदर करो और अपने कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धार्मिक कार्य संध्या वंदन आदि को करते हुए ईश्वर के भगत बने रहें तो मैं आपके भावे में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन सुनो आप बड़ा प्रेम से सुनो की बात भलाई का है। आज के युग में लोग हिंदुस्तानी वेशभूषा का परित्याग करके अंग्रेजी रहन सहन को अपनाने लगे हैं। अतः आप चाहे कितने बड़े बन जाए मगर भारतीय सभ्यता को नहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी तभी मैं आपके भावे अंग में आना स्वीकार करती हूँ। बोलो तथा चौथा वचन संपालन ये कार्य कृता प्रत्येकाय इतकान बढ़िया वामांग यामे तथा तब जो है वर वित्तीय कन्या वचन चतुर्थम चौथा वचन है। इसके अंतर ये कहना है अब तक तो आप घर बार से चिंता से मुक्त थे पर अब आपका क्या हो गया है कुटुंब के सारे भार को आपको संभालना है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करो तो मैं आपके बावे अंग में आना स्वीकार करती हूँ। पांचवा वचन पांचवा कार्य व्यवहार क्रम न्याय वे ममापि मंत्र यथा वामांगयामि तथा तवी वर्तम वचनम पंचकम कन्या कन्या पांचवा वचन मांगे अपने घर के कार्यों में व्यवहार में लेन देन में सगाई ब्याह में आमदनी खर्च में करते समय आप मेरी भी सलाह मंत्रणा लिया करे तो मैं आपके बावे अम्मा स्वीकार करती हूँ। प्रकार कन्या ने पांचवा वचन मांगा। झूठी बात महाराज मेरी भी नहीं है मेरी ही बिल्कुल सही कहा मेरी ही सहमति से सब काम होगा बाकी तो बारी का छठा छठा पांचवा वचन तथा सु करे कौन सा तथा सु करे हां मैं वाली जा ऊपर पर सुनो इमे मेरी भी लिखियोड़ो पर कोई नहीं फेंक दे कर दे अब चेंज कर दे अपडेट को करी हां ये करी इमे लिखियोड़ो यानी लिखियोड़ो बंचो कोई बात नहीं। हां छठा वचन है आप सुनो ने मैं पगा माने सविधा सकीना दूत ने वा दुर्व्यसन भजेच वामांगे वामी तदा तवदीय वर वित्ती कन्या वचनम षष्ठम छठा वचन है यदि मैं मेरी सखी सहेलियों में बैठी रहूं वहां मेरा अपमान नहीं करोगे आप और घर पे बुला के चाहे मुझे कुछ भी सजा दे मगर वहाँ मेरा अपमान नहीं करोगे। ठीक है, और दूसरे जुआ नहीं खेलोगे दूसरे कोई दुर्व्यसन में नहीं लगोगे तो आपके अंग में मैं बावे अंग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने छठा वचन मांगा। बोलो तथास्तु। अब सातवां वचन है आग्रह सुन लो आप
फिर आपका सहयोग होगा। हाँ सबका आ जाएगा। पर स्त्री मात्र समाज समीक्षम कने सदा चेन में कान कुरिया वामांग यामी तदा तो दिए वर वित्ती कन्या वचनम सप्तपम कन्या। हे प्रिय आप पर स्त्री को माता के समान समझे समझे और मुझ पर ही सदा प्रेम रखा करे और क्रोध ने करे और गुस्सा ने करे। मिश्री के जितने मीठे बोले तो आपके पावे अंग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या ने सातवां वचन मांगा। अब वर कहता है भाई मुझे भी एक वचन दो। आपने तो सात वचन ले लिए। हाँ एक वचन मुझे भी दो। तो वो वचन क्या है वो भी छोड़ा। खुदा ने जितने कथा कर रही तो किसी तरह तो बात ले रह सका पूछा पुरो नो अच्छे सच्चिला बड़ो बासने सौसुर भक्ता मंदिर क्या करी धर्मा भक्ति प्रायण भवसी चेता गम्या स्वागतम। एक वचन में सारी चीजें बतम आ गई। हे प्रिय तुम यदि बाग बगीचे में जाओ तथा पराये घर में जाओ तो अकेली नहीं जाओ और दूसरे मनुष्यों के साथ में एकांत में वार्तालाप न करो। साथ में चाहे बच्चा भी हो कहीं जाते हो तो साथ में रहना चाहिए तथा पुरुषों के सामने न हंसो। इन बातों के साथ ही साथ सुशीला मिष्ट भाषणी मिश्र के जितने मीठे बोलो होकर सासु ससुरा की सेवा करो। पतिव्रता धर्म आदि धर्म योग ईश्वर भक्ति प्रायण रहती हुई आज्ञा का पालन करती रहो। तो आइए मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। बोलो तथा